और अब इस बुलेटिन में बात कर लेते हैं, हवा पानी सब खराब है। अभी तो हालात यही दिखाई दे रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि खतरनाक होता जा रहा है। बल्कि हवा में जहर दिवाली के बाद से लगातार घुल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 700 के पार है। आसमान में स्मॉग की मोटी परत दिखाई दे रही है, छाई हुई है, और इस प्रदूषण से फिलहाल दिल्ली और एनसीआर को कोई राहत मिलने की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। जहरीली हवा होने की वजह से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, घुटन, गले और नाक में खराश जैसी समस्याएं हो रही हैं लगातार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज सुनवाई भी कर रहा है। सीजेआई NV रमना, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की स्पेशल बेंच प्रदूषण के मामले की सुनवाई कर केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़े निर्देश दे रही है और कई सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मात्र पराली ही नहीं, कई कारण हैं प्रदूषण में इजाफा करने को लेकर। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच कर रही है सुनवाई। केंद्र ने पराली को लेकर क्या कदम उठाया, ये CJI ने पूछा है, और दिवाली पर पटाखों की पाबंदी को लेकर क्या कुछ हुआ है, ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या हुआ है, ये तीसरा अहम सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार से पूछा कि प्रदूषण को रोकने का तत्काल उपाय क्या है। प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। तो कई कड़े सवाल पूछे हैं प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। पहली बात तो ये कि CJI ने कहा कि आज स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को अपने घरों के भीतर मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है। केंद्र सरकार से पूछा गया कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या आपके उपाय हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया उसमें जो बातें कही गई, और तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने जो बातें कही उसके मुताबिक ऐसा कोर्ट को लगा कि केंद्र सरकार इस वायु प्रदूषण को के लिए किसानों को जिम्मेवार ठहरा रही है, क्योंकि तुषार मेहता ने कहा कि किसानों के पास पराली जलाने का के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और इसीलिए समस्या हो रही है। इस पर तल्ख होते हुए, नाराजगी जताते हुए CJI ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके लिए किसान जिम्मेवार हैं। तो अगर किसान जिम्मेवार हैं तो दिवाली में पटाखों की पाबंदी को लेकर क्या हुआ, दिवाली में जो दिल्ली में जो गाड़ियों से प्रदूषण होता है उसके लिए क्या हुआ। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर आपत्ति थी कि केंद्र सरकार के इस दलील से कि पराली ही दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है, और बार बार कोर्ट ये केंद्र सरकार से पूछ रही है कि अगर पराली की समस्या पर फिलहाल कोई इस तरह से कोई समाधान नहीं निकल रहा है तो बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो कारक हैं प्रदूषण के लिए, कोर्ट ने कहा कि 70-80% जो कॉजेज हैं पॉल्यूशन के, उसके लिए अन्य कारण हैं जैसे गाड़ियों के द्वारा फैला हुआ प्रदूषण, इसके अलावा और भी प्रदूषण है, तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। और केंद्र सरकार उसको जवाब देने की कोशिश कर रही है, तुषार मेहता जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट संतुष्ट नहीं दिख रहा है। कोर्ट ये भी बार बार ये कह रही है कि जो बातें आप हलफनामा में देते हैं, जो बातें आप कहते हैं, वो महत्वपूर्ण ये है कि जमीन पर उसे किस तरह से उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात हुई ये कि पराली को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि पूसा एग्रो इंस्टीट्यूट ने एक मशीन डिकम्पोजर का निर्माण किया है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने सवाल पूछा कि उस मशीन की लागत क्या है, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में अगर उन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए बजट क्या होना चाहिए, क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि आप बता सकें कि किन राज्यों में पैडी की खेती कितनी होती है, ताकि उसी के हिसाब से कितनी मशीन की जरूरत होती है, कितना बजट होना चाहिए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सरकार को असहज कर रहे हैं। और हालांकि तुषार मेहता पूरी तैयारी के साथ आए हैं, उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि कितने धान की खेती होती है और बजट का कैलकुलेशन भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कि केंद्र सरकार लगातार ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी नहीं है। लेकिन जो CJI की टिप्पणी थी वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार काम भी कर रही है लेकिन जमीन पर दिख नहीं रहा है। लोगों को अपने घरों में मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है, और महत्वपूर्ण बात ये कि केवल किसानों और किसानों की पराली को प्रदूषण के लिए जिम्मेवार ठहरा करके पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता, उसके लिए जो पराली के अलावे भी जो कारण हैं उस पर भी गंभीर चिंतन की जरूरत है और उसका भी उपाय निकाले जाने की जरूरत है। अभी भी सुनवाई चल रही है। ठीक है प्रभाकर, आते हैं आपके पास। मेरे और भी तमाम सहयोगी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दीपक दुबे नोएडा से हमें अपडेट करेंगे क्या हाल है इस वक्त, वो तस्वीर दिखाने वाले हैं। ITU से मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल मौजूद हैं, और साथ ही विमल कौशिक भी आपको टीवी स्क्रीन पर कनॉट प्लेस से नजर आ रहे हैं। सभी काम रुक करेंगे, लेकिन एक एक करके पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं। देखिए,
एनसीआर में पोल्यूशन का थर्ड डिग्री टॉर्चर लगातार जारी है। हालात बेहतर होने के बजाय और बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त मैं अक्षरधाम के पास मौजूद हूँ। आपको यहाँ से पूरा का पूरा जो व्यू दिख रहा होगा उसमें पूरी तस्वीर धुंधली नजर आ रही होगी। दरअसल ये जो धुंधलापन है ये है वो सफ़ेद जहरीली चादर जो पिछले 8 दिनों से दिल्ली के आसमान पर छाई हुई है। और हर इलाका, चाहे वो दिल्ली का कोई भी इलाका हो, चाहे एनसीआर का कोई भी इलाका हो, तमाम इलाके जो हैं वो ज़बरदस्त पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। तमाम लोग जो हैं वो ज़बरदस्त पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। जो एयर क्वालिटी लेवल है वो लगातार बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। ज़रूरत है कुछ कड़े कदम उठाने की। सरकार, हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जगह जगह पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, साथ ही कंस्ट्रक्शन जो साइट्स हैं उनकी निगरानी की जा रही है, लेकिन ये केवल फौरी उपाय हैं। अगर यही हालात और कुछ दिन तक बने रहे तो वाकई में दिल्ली वालों का सांस लेना दूभर हो जाएगा। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो पहले ही कह चुके हैं, पहले ही कई वार्निंग जारी कर चुके हैं कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, खासकर मॉर्निंग वॉक ना करें। जो एक्सरसाइज उन्हें करनी है तो वो घरों में ही, और वो भी खिड़की दरवाजे बंद करके करें, क्योंकि PM 2.5 और PM 10 दोनों का ही लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है, जो हमारी सांस के साथ जब शरीर के अंदर जा रहा है तो कई बीमारियों को भी अंदर प्रवेश करवा रहा है। भी काफ़ी धुंधला नज़र आ रहा है। वजह वही है, सफ़ेद चादर, धुएँ की, जहरीली धुएँ की जो सफ़ेद चादर पूरी दिल्ली और NCR के आसमान पर छाई हुई है, वो वाकई में लोगों के लिए अब बेहद ही भयानक होती जा रही है और लोगों का इससे दम घुटने लगा है। कैमरा सुनील के साथ विमल कौशिक, News 24 दिल्ली। विमल, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, सालों से आप कवर कर रही हैं, स्थिति बदला क्या है? हर बार हम कवर करते हैं, हम रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर दोबारा आएंगे तो फिर वैसी स्थिति होगी नेक्स्ट ईयर। बदलाव क्या हो रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, इतना कुछ होने के बावजूद भी। केवल बदला तो सिर्फ साल ही है, हर साल दर साल यही हालात है। इस वक्त मैं कराट प्रेस में मौजूद हूँ, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, ये सामने स्क्रीन लगी हुई जिस पर PM 2.5 और PM 10 दोनों का ही लेवल आ रहा है। तो और ये आप ये जो फिगर्स है ये देखकर वाकई में स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 555 जो PM 10 का लेवल है और 440 के आसपास PM 2.5 का लेवल है। ये दोनों ही चीजें सांस के जरिए जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है, शरीर के अंदर जाती है, तो बेहद ज्यादा शरीर को बीमार करती है। अंदर से कई बीमारियां नहीं लोगों को इसके चलते झेलनी पड़ेगी। और सबसे जो शुरुआती जो चीजें दिख रही है वो आंखों में जलन और गले में खराश, ये तो लगातार लोगों को बनी हुई है। और क्योंकि काम पर निकलना लोगों की मजबूरी है, घर में भी कब तक बैठेंगे, और घर में भी क्योंकि कोरोना के चलते पहले ही लोग लॉकडाउन में काफी समय तक घरों में रहे हैं, तो लोग अब बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन बाहर निकलकर उन्हें पोल्यूशन से दो चार होना पड़ रहा है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर कड़ी टिप्पणी की, और पहले भी कोई ये पहली बार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कोई टिप्पणी की हो। पहले भी सुप्रीम कोर्ट को ये तक कहना पड़ा था कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, उसके बावजूद हालात कुछ नहीं बदले, हालात वही के वही है। हर साल यही तस्वीर होती है, इसी तरीके से सर्दियों की शुरुआत के साथ पोल्यूशन वापसी करता है, लेकिन सरकार के सिर्फ दावे दिखाई देते हैं। जो सड़क पर काम होना चाहिए वो काम नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ग्रैब सिस्टम लागू किया गया, अब ये हो सकता है कि आप सही कह रहे हैं, सिर्फ दावे हैं और धरातल पर कुछ नहीं है। विचार करें दिव्या, क्या बदला है? ऐसे ही मैं एंकरिंग करती हूँ हर साल, आप रिपोर्टिंग करती है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, फटकार लगती है, लेकिन तस्वीर वही होती है हर साल। बिल्कुल, तस्वीर वही होती है और तस्वीर यही रहेगी जब तक हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा। एक छोटी सी तस्वीर दिखाती हूँ ITO की। देखिए, ये वॉलंटियर्स जो हैं वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, यानी रेड लाइट ऑन और आपकी गाड़ी ऑफ। बहुत छोटी सी बात है कि जब आप रेड लाइट पर आए तो अपनी गाड़ी ऑफ कर दीजिए, चाहे 30 सेकंड के लिए या 40 सेकंड के लिए। लेकिन जब ये वॉलंटियर्स लोगों को कहने जाते हैं तो लोग नहीं सुनते हैं। उन्हें लगता है कि वो जब तक गाड़ी ऑन करेंगे तब तक रेड लाइट हो जाएगी और उनका पेट्रोल उसमें फूकेगा। यही सोच बदलनी है, छोटी छोटी चीजों से हमें सीखना होगा, हमें ये समझना होगा कि अगर हम 40 सेकंड के लिए भी गाड़ी को ऑफ करते हैं तो हम जो वायु में प्रदूषण है उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। PM 2.5 देखिए, इस वक्त ITO का मैं अगर आपको दिखाऊं 499 है, जो कि 60 माइक्रो ग्राम क्यूबिक प्रति मीटर होना चाहिए। क्या हालात है,
चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं आऊंगी दिव्या आपके पास। तो ये कुछ छोटी सी कोशिश हो रही है, लेकिन लोगों को भी थोड़ी समझदारी का एग्जाम्पल देना होगा, उनको भी साथ देना होगा इस ट्राइब में, क्योंकि एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। दीपक, सीधे आपके पास आ रही हूँ। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कदम उठा रही है? नोएडा में स्थिति बहुत खराब है, डेली आप दिखा रहे हैं। कर दो, पता नहीं कैसे। दीपक, मेरा सवाल आपने सुना, सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई कवायद की जा रही है इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ताकि सांस तो ले लें लोग, घरों से बाहर तो निकल पाए। चलिए, दीपक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। दिव्या अग्रवाल की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। दिल्ली में हर बढ़ते दिन के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं, काफी घना इलाका है और आप देख सकते हैं आसपास हरियाली भी, लेकिन साफ तौर पे फ्लाईओवर के सामने की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर नजर आएगी। अक्सर ये सफेद चादर सर्दियों में धुंध बनती थी, लेकिन अब यही धुंध जो है वो फॉग प्लस स्मोक बन गई है, क्योंकि हवा में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इस वक्त मैं अगर आपको PM 2.5 का लेवल दिखाऊं तो आप देखिए। तो दिव्या की रिपोर्ट लगातार देख रहे हैं। दीपक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, तस्वीर तो लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन कदम क्या उठाए जा रहे हैं इस हवा को ठीक करने के लिए, जहर कम करने के लिए? जी, प्रशासन चिंतित है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी फटकार लगाई गई है, तो हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं और राज्य सरकार की तरफ से भी, जिससे कि जो एयर क्वालिटी है वो बेहतर हो सके, औद्योगिक धंधे जो जहरीली हवाएं जो निकालते हैं कंपनीज में उस पर ध्यान देना होगा, जो गाड़ियां हैं उनमें जो पोल्यूशन निकलता है उस पर ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ जिस तरह से लगातार दिल्ली हो या नोएडा हो, लगातार जो हवा का जो लेवल है, जो जहरीली हवा है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। यही वजह है कि डॉक्टर भी है वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अगर आप घर के अंदर भी रहें तो मास्क का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ उन तमाम प्रिकॉशन लिए जाए जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य को बचा सके। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, ये इस वक्त ये सामने देख सकती है, महज ये 100 मीटर की दूरी पर ये बिल्डिंग है, लेकिन आपको साफ तौर पर नजर नहीं आएगी। इसके साथ साथ मेट्रो ब्रिज, बिल्कुल दीपक, आपके जरिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सच में ही नहीं, इन इमारतों को हम देख पा रहे हैं क्योंकि वहां पर स्मॉग इतना